संभल में डीएम ने सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 डॉक्टरों का वेतन रोका, बताया जा रहा है। जिले में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने को डीएम ने जिले भर में डॉक्टरों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस का आदेश दिया, जिसके बाद जिले भर में बायोमेट्रिक से डीएम ने जांच कराई, जिसमें 25 डॉक्टर ड्यूटी में अनुपस्थित रहने और लेट लतीफी में चिन्हित किए गए, जिनका 8 दिन का वेतन रोकने का डीएम ने आदेश दिया। वहीं डॉक्टरों द्वारा सही स्पष्टीकरण न देने पर उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए वेतन रोक दिया। वर्तमान में मौसम के दृष्टिगत बहुत सारी अधिक संख्या में लोग जो है वो अपना इलाज कराने के लिए हमारे अस्पतालों में आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि डॉक्टर्स जो है वो समय से अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि शासन की ये स्पष्ट निर्देश है कि समय से ओपीडी हो। हमारा जो सीएचसी चंदौसी है और जिला चिकित्सालय है, वहां पर प्रातः 8 बजे से और अन्य समस्त सीएचसी पर प्रातः 10 बजे से ओपीडी शुरू होने का समय है, और सभी चिकित्सकों को अपने तैनाती स्थल पर ही रुकने का भी निर्देश है। लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से जब इसकी रिपोर्ट हमने चेक करवाई है, तो ऐसे कई चिकित्सक पाए गए हैं जो या तो अपनी अटेंडेंस को मार्क नहीं कर रहे हैं या फिर काफी दिन अनुपस्थित रहे हैं, और कई ऐसे चिकित्सक भी हैं जो निर्धारित समय से 1 या 1.5 घंटे की देरी से आए हैं। ऐसे समस्त चिकित्सकों की हमने जो रिपोर्ट के आधार पर सूची तैयार करवाकर उनका 1 सप्ताह का वेतन रोकते हुए उनका स्पष्टीकरण जारी किया है। अगर वो किसी प्रकार का कोई उचित कारण नहीं बता पाएंगे या फिर उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं आएगा, तो इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, ये चिकित्सक सर ये जो सर कौन कौन से कहां-कहां पर तैनात है? ये पूरे जनपद के विभिन्न अस्पतालों में ही अलग अलग स्थानों पर तैनात है। सभी चिकित्सालयों की, सभी सीएचसी की और हमारे जिला अस्पताल की इसमें रिपोर्ट निकाली गई है, उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है।